नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो और वास्तु के इस चैनल में। दोस्तों, पंडित रोहित शर्मा के मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वास्तु और एस्ट्रो के वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। इस चैनल पर आपके सभी समस्याओं के समाधान वास्तु और एस्ट्रो के वीडियो में बताए गए हैं। फिर भी अगर आप पंडित जी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो पंडित जी का नंबर वीडियो के थंबनेल यानी कि पोस्टर में व डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया गया है। आप पंडित जी को कॉल करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे आज की शुभ राशियों की। आज की शुभ राशियां जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा दें ताकि आपके पास हमारी हर अपडेट्स पहुंचती रहे और आप उससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। हम बात कर रहे हैं आज की शुभ राशियों की। तो मित्रों, आज की दो शुभ राशियां बनती हैं। पहली राशि बनती है वृषभ और दूसरी राशि बनती है कर्क। दोनों राशियां आज पूरा दिन शुभ रहेंगी। दोनों राशियों से संबंधित जातक आज खूब मौज मस्ती करेंगे, किसी बड़े समारोह में भाग ले सकते हैं। व्यापार भी आज अच्छा चलेगा, खास करके जो व्यापारी भाई सब्जी का थोक व्यापार करते हैं, फलों का थोक व्यापार करते हैं, या जो लोग ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं और उसके साथ साथ होटल से संबंधित जो कार्य करते हैं, उनके लिए आज दिन बहुत ही उत्तम जाएगा, लाभकारी जाएगा और आज उनके धन के बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छा उनको पैसा आएगा। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो आज उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, अपने काम से थोड़ी राहत मिलेगी और जो उनके अधिकारीगण हैं उनसे भी उन्हें आज लाभ मिलेगा। बात करें हम छात्रों की, बच्चों की, तो उनके लिए कोई नई योजना का आज पता चलेगा जो भविष्य में उन्हें काम आएगी। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाओं को पूर्ण सुख प्राप्त होगा और घर में कोई नया घरेलू सामान आज वो खरीद करके लाएंगी और पूरा दिन प्रसन्न भाव में रहेंगी। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मित्रों, आज विशेषतः आप वृषभ और कर्क राशि वालों का ये उपाय, घर से अपने काम पर जाते समय आपने 7 बादाम व मिश्री लेकर के घर से निकलना है और रास्ते में पड़ने वाले किसी भी मंदिर में जाकर भगवान शंकर को ये अर्पित करना है और फिर अपने काम पर चले जाना है। पूरा दिन आपको धन लाभ रहेगा, व्यापार में उन्नति होगी और स्वास्थ्य भी आज आपका अच्छा रहेगा। तो ये विशेष उपाय अवश्य करके जाएं। इसके साथ साथ अगर आप किसी विशेष कार्य पर जा रहे हैं, किसी विशेष डील पर जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप एक साबुत बड़ा अनार लेकर के माता काली के मंदिर या माता दुर्गा के मंदिर में चढ़ा करके और वहीं से तिलक करके अपने काम पर जाएं, आपको विशेष काम में विशेष सफलता मिलेगी। आज क्या ना करें? मित्रों, आज आप सफ़ेद
वस्तु खाकर घर से ना निकलें। अगर आपको दही, दूध या अन्य कोई सफ़ेद वस्तु खानी है तो उसका कलर चेंज करके, रंग चेंज करके ही खाएं, नहीं तो आज ना खाएं तो अच्छा रहेगा। मित्रों, आज का आपका शुभ रंग जो है वो नीला और जामुनी रहने वाला है। विशेष कार्य पर जाने से पहले नीला कलर या जामुनी कलर पहन करके जाएं, आपको सफलता मिलेगी। आज की आपकी शुभ दिशा पश्चिम दिशा है। शुभ अंक आज का आपका 9 बनता है। शुभ संख्याएं आज की 13, 22, 81 और 88 बनती हैं। शुभ मुहूर्त आज का किसी भी कार्य को करने के लिए आज 10:38 सुबह से 12:23 दोपहर तक का रहेगा। और विशेष धनकारी योग आज का आपका रात को 8:37 से 9:52 के मध्य रहने वाला है। आज आपको सहयोगी राशि, मित्र राशि जो रहेगी वो रहेगी मेष राशि। मेष राशि के जातक आज आपको अधिक लाभ देंगे। तो ये था आज की 2 शुभ राशियों का फल, उपाय, दिशा और संख्याएं। आने वाले समय में हम आपको हर रोज ऐसे ही शुभ राशियों के बारे में बताएंगे। और हमारी जो श्रृंखला चल रही है रुद्राक्ष का महत्व, और हर रोज हम आपको एक रुद्राक्ष की महिमा बताते हैं। 4 मुखी की हम बता चुके हैं, आज हम बात करेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष की। तो देखते रहें हमारा वीडियो और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा दें ताकि आपके पास हर अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।